बकरा मंडी, गाय मंडी, मंडी मंडी मंडी, आजकल हर कोई कमेंट में मंडी का ही बोल रहा है कि GTA 5 में मंडी बनाना सिखा दूं जिसमें बकरा या गाय वगैरह हो। तो दोस्तों मैंने सोचा है मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट एक एक स्टेप के साथ पूरी मंडी बनाना सिखाऊंगा कि तुम लोग अपनी पर्सनल खुद की मंडी कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों अभी हम ये मैकेंजी एयरफील्ड पर खड़े हुए, ट्रेवर की मैकेंजी एयरफील्ड पर, और इधर ही हम लोग अपनी सबसे बड़ी मंडी बनाएंगे। आज तक GTA 5 की सबसे बड़ी मंडी यही हम लोग बनाएंगे। देख सकते हो कितनी बड़ी एयरफील्ड है ये। तो इस पर पूरा शुरू से लेकर एंड तक सारी मंडी ही होगी। इसमें बकायदा पार्किंग भी बनाएंगे, इसमें बकायदा गाय भी होंगी, इसमें बकायदा बकरे भी होंगे, ऊंट भी होंगे, सब कुछ होगा इसमें। और हाँ दोस्तों, जब ये मंडी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ओवरऑल सब कुछ हो जाएगा इसमें, मैं बकायदा तुम लोगों को XML फाइल इसकी दे दूंगा ताकि तुम लोग इसको एज इट इज उठा के अपने मेन्यू ट्रेनर से डाल दो और तुम्हारी मंडी पूरी की पूरी लोड हो जाए। अब दोस्तों मेन्यू ट्रेनर ऑन करने के लिए सबसे पहले मैं 2 बार F8 दबाऊंगा। ये मैंने 2 बार F8 दबाया। अगर मैं कंप्यूटर पर हूं तो 2 बार F8 दबेगा, अगर मैं लैपटॉप पर हूं तो 2 बार FN+F8 दबेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आऊंगा ऑब्जेक्ट स्पूनर पर, क्योंकि सारा काम हमारा ऑब्जेक्ट स्पूनर से ही होना है और हम इससे हम स्पूनर मोड ऑन करके सारी चीजें बारी 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 लगाते जाएंगे और अपनी पूरी बकायदा एक पूरी मंडी तैयार कर देंगे, पूरी मैकेंजी फील्ड में, पूरी की पूरी मैकेंजी फील्ड को मंडी में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं ऑब्जेक्ट स्पूनर पर जाऊंगा, यहां से सबसे पहले मैंने ऑन करना है स्पूनर मोड। ये मैंने स्पूनर मोड ऑन किया। अब यहां पर जो भी चीज चाहे मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, जो भी चीज चाहे मैं लगा सकता हूं इस व्हाइट एरो की पोजीशन पे। अब दोस्तों हमने सिंपली जाना है स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड में। यहां पर देख सकते हो ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं। वैसे तो हमारे पेट्स भी काम आएंगे जब हम अपने जानवर वगैरह डालेंगे, गाय, बैल, बकरे, दुम्बे, कैमल वगैरह जो डालेंगे तब हमारे ये पेट काम आएगा। अभी हमारा काम है सिर्फ ऑब्जेक्ट का, क्योंकि अभी हमने पूरा बिल्ड करना है, पूरी मंडी बनानी है। तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट में। मैंने फिलहाल सारी की सारी पूरी रात देखे, पूरी रात सर्च करके, क्योंकि यहां पर देख सकते हो 15,746 ऑब्जेक्ट्स हैं। उनमें से मैंने ढूंढ के सारी चीजों को फेवरेट कर दिया ताकि तुम लोग सिर्फ फेवरेट्स में मेरे देखोगे और तुम नाम सर्च करके अपनी पर्सनल चीज डाल पाओगे। मैं तुम लोगों को चीजें दिखा देता हूं। यही नेम सर्च करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल बैरियर तुम लोग सर्च करोगे तो ये सारे के सारे बैरियर्स आ जाएंगे और तुम लोग अपनी पर्सनल मंडी या कुछ भी बना पाओगे। अब यहां पर बैरियर है, यहां पर हम पूरे लाइन से बैरियर लगा देंगे पहले ताकि हमारी गाड़ियों की एंट्रेंस वगैरह बन जाए। हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसको और यहां तक बिल्कुल एंड तक लेकर जाएंगे ताकि पूरा एक पार्किंग वगैरह सारा कुछ बन जाए। तो देख लो वो मैं कैसे करता हूं, थोड़ा तेज स्पीड में दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो तुम लोग कि मैंने एक तरफ सारे बैरियर्स खड़े कर दिए, पूरी एक एंट्रेंस बना दी। अब दूसरी तरफ भी ऐसे ही मैं लगा दूंगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हो ये सारे के सारे पूरे दोनों तरफ बैरियर्स लग चुके हैं और हमारी कार एंट्रेंस बन चुकी है। यहां से सारी गाड़ियां वाड़ियां आएंगी। तो ये तो दोस्तों हमारी एंट्रेंस बन चुकी है। अब हमने यहां से लेकर बिल्कुल एंड तक ये सारे के सारे बैरियर्स प्लेस करने हैं, लेकिन अब मैं बड़े वाला बैरियर प्लेस करूंगा। तो यहां पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो बड़े वाला फेंस भी है मेरे पास। ये तुम लोग सर्च करोगे FENCE फेंस तो तुम्हारे सामने ये फेंस आ जाएगा और फिर तुम इसको फेवरेट बना पाओगे। तो ये बड़े वाले फेंस हम लोग इधर लगा देंगे ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये छोटे लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये मैंने एक यहां पर प्लेस कर दिया, इसके आगे सारे लाइन से मैं प्लेस कर दूंगा और तुम लोग फुल स्पीड में मेरी वीडियो देख लो, बिल्कुल एंड तक लगाऊंगा ताकि पार्किंग हमारी पूरी अच्छे से बन जाए। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हो मैंने सारी की सारी फेंसिंग कर दी है, सारी की सारी पूरी एक बाउंड्री बना दी है। अब ये हमारी कार एंट्रेंस की पूरी बाउंड्री हो जाएगी और यहां से यहां तक हम लोग बना देंगे कार पार्किंग। ये जो हिस्सा है इसको बना देंगे कार पार्किंग और इसके बाद पूरी की पूरी हम लोग बना देंगे मंडी। तो बेसिकली ये करना क्या होता है कि मैंने तुम लोगों को पहले भी दिखाया कि तुम लोग किसी भी प्रॉपर आओगे, जैसे मैंने यहां पर फेंस को सेलेक्ट किया और मैं फेंस की पोजीशन करके स्पूनर मोड से पोजीशन करके एंटर मार दूंगा सिर्फ, और ये चीज सामने आ जाएगी। जैसे मैं यहां पर तुम लोगों को करके भी दिखा देता हूं फिर से। ये मैंने इधर इसको सेट किया और यहां पर मैंने एंटर मार दिया तो यहां पर मेरे सामने फेंस आ गई छोटी वाली। ये 3 मैंने छोटी वाली लगा दी है, बाकी सारी मैंने बड़ी वाली लगा दी है। मैं तुम लोगों को दिखा भी देता हूं, यहां पर सारी फेंसेस लगी हुई है। ये देख सकते हो बिल्कुल एंड तक जा रही है, बेहतरीन किस्म की हमारी बाउंड्री बन चुकी है। पूरी बाउंड्री वॉल मैंने बना दी है यहां पर और यहां से एंट्रेंस है हमारी, यहां से यहां तक एंट्रेंस है। इसके बाद इस एरिया को थोड़ा कवर वगैरह कर देंगे। मैं सोच रहा हूं वुडन फेंस लगा दूं या फिर मेटल फेंस लगा दूं यहां पर ताकि ज्यादा बेहतरीन लगे। अब यहां जो पोजीशन है यहां से लेकर बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल उधर तक मैं सोच रहा हूं वुडन या फिर मेटल फेंस लगाता हूं। तो मेरे ख्याल में पहले वुडन फेंस लगाकर देखते हैं कि वुडन फेंस ज्यादा अच्छी लगेगी और रियलिस्टिक टाइप भी लगेगी, क्योंकि वुडन फेंस ही मोस्टली मंडी में लगी हुई होती है। तो यहां पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो मैंने फेवरेट्स में फिर से डाला है, तुम लोग इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। तुम लोग ये लिखोगे FNCWOO
डी अपने मेन्यू ट्रेनर में, ऑब्जेक्ट स्पूलर में आकर, ऑब्जेक्ट्स में जाकर, तो तुम्हारे सामने फेंसेज आ जाएंगी बहुत सारी। ये देखो ये एक वुडन फेंस है, इसके अलावा ये एक छोटी वाली वुडन फेंस है, ये एक रेड कलर की वुडन फेंस है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर की वुडन फेंस आ गई। ये वुडन फेंस मुझे अच्छी लग रही है, थोड़ी रियलिस्टिक लग रही है। इसके अलावा ये वाली ज्यादा अच्छी, ये वाली तो बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा फिर ये टब वगैरह, ये मैं बाद में बताता हूँ तुम लोगों को, और ऑब्जेक्ट्स वगैरह बताता हूँ, बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बारी बारी देखते जाओ तुम लोग मैं कौन कौन से डाल रहा हूँ, और फिर तुम लोग वो भी लगा सकते हो अपनी मंडी में, और से बेहतरीन किस्म की मंडी बना सकते हो। तो हम पहले ये वाले वुडन फेंस पूरे एंड तक लगाएंगे, यहां से लेकर बिल्कुल एंड तक लगाएंगे, ताकि हमारी बिल्कुल एक बाउंड्री वॉल हो जाए, और यहां पर गाय बकरे वगैरह खड़े करें तो कोई देख ही ना पाए उन्हें। तो यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा इस फेंस के साथ में, इस वुडन फेंस को अब मैं लगाऊंगा यहां पर, मैं इसको यहां पर सिर्फ पोजीशन करके एंटर मारूंगा और यहां पर ये लग जाएगी। ये मैंने इसको पोजीशन किया और यहां पर एंटर मारा, तो देख सकते हो ये फेंस आ चुकी है। अब ऐसे ही मैं सारी फेंस लगा दूंगा, देख सकते हो दोस्तों कितना ज्यादा इजी है। बस तुमने ASD और W से ऊपर नीचे आगे पीछे करना है, माउस से इसको हिलाना है, और तुमने इसकी पोजीशन सेट करके सिर्फ एंटर मार देना है। ये मैंने डी दबाया आगे आ गया, मैंने एंटर मारा, डी दबाया आगे आया, मैंने एंटर मारा, डी दबाया आगे आया, एंटर मारा। कुछ एग्जैक्ट पोजीशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसी बात है वुड है, तो वो उसके ऊपर हो या आगे हो या पीछे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बहुत बेहतरीन बन रही है। अच्छा दोस्तों ये जो यहां पर जो हिस्सा आ गया, मैं सोच रहा हूं इस तरफ की एंट्रेंस बना दूं पैदल चलने वालों के लिए, गाड़ी चलने वालों के लिए दूसरी तरफ से हो गया, पैदल चलने वालों के लिए इस तरफ से हो गया, तो ये हमारा बहुत अच्छी जगह बन जाएगी। यहां से हम एंट्रेंस बना देंगे पैदल चलने वालों के लिए। तो यहां पर फिर मैं मेटल की या वुड की कोई फेंस लगा दूंगा, जैसे पीछे वो व्हाइट कलर की वुडन फेंस लगी हुई है, ऐसी ही कोई फेंस लगा दूंगा यहां पर, और एक पैदल चलने वालों की एंट्रेंस बना देता हूं यहां पर, ताकि एक तरफ से एंट्रेंस पैदल चलने वालों की हो जाए, उनको डायरेक्ट ही मंडी में एक्सेस मिल जाए। यहां पर दोस्तों मैंने वुडन फेंस यहां पर पूरी की पूरी लगा दी है, देख सकते हो बिल्कुल एंड से लेकर यहां तक आ चुकी है वुडन फेंस, और ये मेटल फेंस से जाकर कनेक्ट हो रही है। यहां पर हम लोग एक एंट्रेंस दरवाजा बना देंगे और यहां से वुडन फेंस पूरी की पूरी कनेक्ट कर देंगे, ताकि ये वाला हिस्सा पार्किंग के लिए हो जाए और ये वाला हिस्सा पूरा मंडी के लिए हो जाए। मंडी बहुत बड़ी बनानी है हमने, अब वो हमारे पैदल चलने वालों की, ऑन फुट लोगों के लिए जो हमने रास्ता बनाना है वो यहां पर हम लोग बना लेते हैं। यहां पर दोस्तों थोड़ा सा मैं कनेक्शन बना देता हूं, एक वॉल टाइप बना देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग अपना पाथवे बना देंगे पैदल चलने वालों के लिए। यहां पर मैंने इसको लगाया, थोड़ा सा और आगे करता हूं और यहां पर भी एक लगा देता हूं। यहां पर दोस्तों देख सकते हो हमारे पास ये वाली वुडन फेंस है, ये अच्छी है, ये हम लगा सकते हैं यहां पर, लेकिन पहले और भी ऑप्शन देख लेता हूं कौन कौन से फेंस के ऑप्शन है हमारे पास। एक ये कलरफुल फेंस है, इसके अलावा ये वाली फेंस है, ये वाली फेंस है, ये बड़ी वाली ऊंची वाली फेंस है, इसके अलावा ये मेटल फेंस आ गई हमारे पास, ये मेटल फेंस बड़ी वाली आ गई, और ये वॉल फेंस अपनी मेटल की वॉल फेंस आ गई, इसकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, वो पीछे की तरफ लगाएंगे जहां पर नाला नदी जा रही है वहां पर लगाएंगे इसको, ताकि कोई भी जानवर वगैरह ना आ जाए मंडी के अंदर। फिलहाल हम यहां पर छोटी वाली वुडन फेंस लगा देते हैं, जो सफेद कलर वाली वुडन फेंस थी, ये वाली जो वुडन फेंस है बिल्कुल इसको यहां से कनेक्ट करके एंड तक इसको लगा देंगे बिल्कुल, तो हमारी ये बहुत अच्छी पैदल चलने वालों के लिए भी वुडन फेंस बन जाएगी। मैंने इसको यहां पर एंटर किया और यहां पर और मैं वुडन फेंस कनेक्ट कर देता हूं इसकी आगे, ये देख सकते हो ये कनेक्ट होती जा रही है, बस तुमने इसको आगे पोजीशन बनाकर एंटर मारने और ये कनेक्ट हो जाएगी उसके साथ ही। यहां पर दोस्तों देख सकते हो एक तरफ का हमने पाथवे बना लिया पैदल चलने वालों के लिए, ऑन फुट लोगों के लिए, अब दूसरी तरफ भी हम लोग यहां पर पाथवे बना लेते हैं इसी वुडन फेंस से। ये दोस्तों देख सकते हो दोनों तरफ का पाथवे बन गया, क्या जबरदस्त लग रहा है, यहां पर पूरा पाथवे बन चुका है और सामने भी पूरा पाथवे बन चुका है, पूरा हमने एंट्रेंस के दोनों तरफ के रास्ते बना दिए हैं। अब हमने बेसिकली दूसरी फेंसेज लगानी है, पीछे भी फेंसेज लगानी है हमें वहां पर भी, और ये जो है इस एरिया को भी हमने कवर करना है। तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर दूसरी दोबारा से यही वाली फेंस लगाऊंगा और यहां से इसको कंटिन्यू करके बिल्कुल एंड तक लेकर जाऊंगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल एंड पर आ चुका हूं, मैंने पूरी फेंस लगा दी है ये एंड वाली कवर करके, फिर मैं यहां पर इस तरफ जो है ये जो इस तरफ का हिस्सा नीचे वाला जो हिस्सा नजर आ रहा है यहां का जो हिस्सा है यहां पर हम सारी मेटल की फेंस लगाएंगे, यहां पर हम वुडन फेंस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एरिया थोड़ा डेंजरस एरिया है। पीछे देख सकते हो नदी नाला आ रहा है तो बहुत आसानी से कोई भी कीड़ा मकोड़ा जानवर वगैरह आ सकता है, तो यहां पर हम लोग मेटल की फेंस लगाएंगे। पहले यहां पर मैं वुडन फेंस पूरी कंप्लीट कर देता हूं, यहां पर मैंने ये लगाई और इससे आगे थोड़ी सी और आगे लगाता हूं, और मेरा ख्याल में इसके बाद हम वुडन फेंस को मोड़ देते हैं, यहां से पूरी मेटल फेंस कंटिन्यू कर देते हैं इस एरिया से। यहां पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल एंड तक मैंने वुडन फेंस लगा दी है, ये हमारी फुटपाथ की एंट्रेंस से लेकर और बिल्कुल एंड तक यहां तक हमारी पूरी वुडन फेंस लग गई है। अब दोस्तों वुडन फेंस की जगह हमने यहां पर मेटल फेंस लगानी है, तो मेटल फेंस पर आ जाते हैं। मेरे ख्याल में यहीं पर ही थी, टॉप पर थी मेटल फेंस, और कहां गई मेटल फेंस, ये रही मेटल फेंस, ये सारी की सारी मेटल फेंस हम लोग यहां पर लगा सकते हैं। देख लेते हैं कि किस तरह से पोजीशन होती है, ये सही लगती है वुडन फेंस के साथ के नहीं लगती सही। यहां पर दोस्तों देख सकते हो कितनी जबरदस्त लग रही है मेटल फेंस और काफी ज्यादा मजबूत रहेगी, सेफ भी रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो इस एरिया में पूरे एरिया में मैं सोच रहा हूं कि मैं ये मेटल फेंस ही लगाऊं बिल्कुल एक्यूरेट इसी पोजीशन पर और पूरा स्ट्रेट या पीछे वाला एरिया कवर कर दूं। तो दोस्तों यहां पर इस मेटल फेंस को मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिल्कुल एक्यूरेट मिलनी चाहिए ताकि बिल्कुल एक्यूरेटली लगे, परफेक्ट लगे, कोई भी ग्लिच वगैरह ना नजर आए, कोई भी इसमें गलती नजर ना आए हमें।
ये मैंने दूसरी फेंस लगा दी, थोड़ा सा और आगे आऊंगा, यहां पर मैं लगा देता हूं अपनी तीसरी फेंस। यहां से दोस्तों हम लोग फेंस लगाना शुरू करते हैं और बिल्कुल एंड तक लेकर जाते हैं, इस फेंस को पूरा कंटिन्यू रखते हैं। यहां पर ये और लगा दी मैंने थोड़ी सी, अब ये हैंगर मेरा छुपने वाला है, मेरा जहाज छुपने वाला है, फाइनली सामने से बिल्कुल कवर हो जाएगा एरिया, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ये मैकेंजी एयरफील्ड है। सबको यही लगेगा कि ये बकायदा मंडी है, क्योंकि जहाज वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएगा। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ ये जो खंबा बीच में नजर आ रहा है इसको मैं रहने दूं या इसको छुपा दूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में इसकी जगह मैं कोई लाइट वाइट लगा दूं, यहाँ पर ऊपर लाइट फिक्स्चर्स अटैच कर दूंगा ताकि ऐसा लगे कि ये लाइट के लिए ही है। तो यहां से हम इसको मोड़ देते हैं मेटल फेंस को, और यहां से इसको कनेक्ट कर देते हैं हमारी मेन एंट्रेंस से, गाड़ियों वाली एंट्रेंस से, ताकि ये पीछे का कचरा भी हमारा सारा छुप जाए। ये देख सकते हो दोस्तों इधर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मैं इसको यहीं पर ही मोड़ देता हूं और ये खंबे को, ये वाले खंबे को अंदर रहने देता हूं, इस टावर को, इसके पर हम लोग लाइट्स वगैरह लगा देंगे फिर। और दोस्तों ये हमारी फाइनल फेंस हम लोग लगाएंगे, मैंने एंटर मारा और देख सकते हो पूरी की पूरी बाउंड्री लाइन सब कुछ हमारा बन चुका है, कितनी बेहतरीन हमारी हो गई है ये मंडी, पूरी आधी से ज्यादा रेडी हो गई है, सारी बाउंड्रीज वगैरह हमने बना ली हैं। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि इधर भी हमने एक डिवाइडर लगाना है, यहां से पूरा डिवाइडर लगाना है यहां तक, ताकि ये मंडी हमारी पूरी कवर हो जाए और जो गाड़ियों का रास्ता है वो अलग हो जाए, बिल्कुल यहां से गाड़ियों का रास्ता बन जाए और मंडी हमारी पूरी ये वाले हिस्से में रहे। तो दोस्तों यहां पर मैं मेटल फेंस ही लगाऊंगा, इस पूरे एरिया में मेटल फेंस से इसको पूरा कवर कर दूंगा, मेरे ख्याल में इतना एरिया गाड़ियों के लिए काफी रहेगा। तो यहां से दोस्तों हम लोग मेटल फेंस लगाना शुरू करते हैं ताकि हमारी गाड़ियों की जगह अलग हो जाए और हमारी मंडी बिल्कुल अलग हो जाए। यहां पर मैंने एंटर मारा, यहां से थोड़ा सा और आगे जाऊंगा और यहां पर इसको लगा देता हूं, मेरे ख्याल में इतना रास्ता गाड़ियों के लिए सही रहेगा और इतना रास्ता मंडी के लिए सही रहेगा। तो यहां पर मैं लगा देता हूं, इस फेंस को यहां पर कनेक्ट कर देता हूं ताकि मंडियों का और गाड़ियों का रास्ता बिल्कुल सेपरेट हो जाए। यहां पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल सेपरेट बना दिए, मंडी वाला एरिया हो गया, वो पीछे गाड़ियों का पार्किंग के लिए जो रूट बन गया, बकायदा रोड बन गया। तो यहां से हमने क्या करना है, यहां पर मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा दरवाजा छोड़ दूं, एंट्रेंस बना दूं, जो कि गाड़ियां यहां पर उतारें लोगों को और वो यहीं से अंदर आ जाए, बाकी गाड़ियां आगे जाकर पार्किंग में खड़ी हो जाए। तो यहां पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं और यहां पर एक दरवाजा बना सकते हैं। तो यहां पर मैं एक मेटल फेंस से ही दरवाजा बना देता हूं, यहां पर थोड़ा सा मोड़ के इसको एंट्रेंस बना देता हूं। यहां पर दोस्तों देख सकते हो यहां पर पूरी फेंस लग चुकी है, यहां से गाड़ियां अंदर आएंगी, गाड़ी वाले यहां पर लोगों को उतारेंगे, यहां से लोग अंदर चले जाएंगे, गाड़ियां यहां से पीछे जाएंगी और पीछे जाकर पार्किंग में खड़ी हो जाएंगी। ये दोस्तों देख सकते हो बिल्कुल एक्यूरेट बन चुका है, ये हमारी हो गई गाड़ियों से उतरकर अंदर आने की एंट्रेंस, ये पीछे हो गया रोड पार्किंग की तरफ और वहां से फिर से एंट्रेंस हो गई, यहां से जो पैदल चलने वाले वो आएंगे और यहां से पीछे से पूरा कवर हो गया, पूरी की पूरी कंप्लीट मंडी की बाउंड्रीज वगैरह बन चुकी हैं। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर वुडन के हिस्से बनाने हैं ताकि ये कैमल्स वाला एरिया बन जाए, सारे ऊंटों वगैरह का एरिया बन जाए, यहां पर जितना भी एरिया हो ये सारा गाय बैलों के लिए हो जाए और वो एंड में बिल्कुल जो एरिया हो इस एरिया को हम लोग स्पेसिफिकली डिवाइड कर देंगे बकरे वगैरह के लिए। तो बेसिकली वुडन वाला जो फेंस है वो भी मैंने सेव किया है, वो देख लो कैसे आएगा, यहां पर तुम्हें नजर आएगा बड़ा सा फेंस होगा वुडन वाला, ये जो फेंस है ये फेंस हम लोग यूज करेंगे ऊंट वगैरह बांधने के लिए और उनकी बाउंड्री वगैरह बनाने के लिए। यहां पर मैं लगा देता हूं अपने पहले वुडन फेंस को ताकि ऊंटों के लिए अलग से जगह बन जाए, कैमल्स के लिए अलग से जगह बन जाएगी। इसके अलावा यहां पर मैं और थोड़ा सा लगा देता हूं, आगे एक और मैंने लगा दिया, इसके अलावा यहां पर मैं एक और लगा देता हूं, ये मैंने यहां पर लगा दिया। अब ये जो हिस्सा बन गया ये सारा कैमल्स के लिए, ऊंट के लिए यहां पर सारे ऊंट वगैरह हम लोग लाकर खड़े देंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में ऊंट वगैरह डालेंगे, कैमल वगैरह डालेंगे, क्योंकि वो एनिमल्स में कैमल नहीं होता तो वो अलग से हमें डालना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों हमने ये सारी लाइन से फेंस लगा देनी है ताकि हम लोग ऊंट वगैरह इस पर बांध पाएं। और यहां पर दोस्तों इस हिस्से में पूरा यहां से लेकर बिल्कुल एंड तक इस हिस्से में हम लोग सारी घास वगैरह जितनी भी होगी, सूखी घास और गीली घास, ड्राई घास, सारी की सारी घास वगैरह यहां पर सारी रख देंगे, जो कि बेचने वाले होंगे लोग वो यहीं पर ही होंगे और यहां से वो सारी चीजें बेचेंगे और लोग यहां से खरीद कर लेकर जाएंगे। अब दोस्तों हमने गाय बैल के लिए एरिया बनाना है पूरा, तो वो हमने ये पूरा का पूरा एरिया गाय बैल के लिए पूरा असाइन करना है। तो यहां से मैं शुरू करता हूं, इस एरिया को पहले डिवाइड कर देता हूं, यहां पर पहले मैं फेंस लगा देता हूं, सबसे पहले फेंस यहां पर लगाया, इसके आगे एक और फेंस लगा देता हूं। अब यहां पर लाइन से हम लोगों ने फेंस लगाना है बिल्कुल एंड तक, ताकि सारे गाय बकरों को हम लोग यहां पर लाइन से बांध दें, हमारी मंडी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होगी, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनी हुई होगी। ये हमारा दोस्तों रास्ता हो गया आने जाने का पूरा बिल्कुल एंड तक, और ये जो जितना एरिया ये सारा हो गया गाय बैलों के लिए, और ये जो एरिया ये सारा हो गया बकरों के लिए, दुम्बों के लिए, और ये जो आगे जो एरिया वो हो गया सारा कैमल्स वगैरह के लिए। और यहां पर सारी जितनी होगी ये सिटिंग वगैरह थोड़ी हम कर देंगे, यहां पर चेयर और टेबल वगैरह लगा देंगे ताकि लोगों के लिए बैठने के लिए आसानी हो जाए। यहां पर दोस्तों देख सकते हो मैंने अपनी पूरी मंडी कंप्लीट कर ली, जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह लगाने थे वो सारे मैंने लगा दिए। अब मैं हर ऑब्जेक्ट पर एरो लाकर अपना ये प्लस का साइन लाकर राइट क्लिक करूंगा और तुम्हें उसका नाम बताता जाऊंगा, तुम नाम नोट करते जाना ताकि तुम्हें मंडी बनाने में चीजें स्पेशली अलग से, अगर मंडी बनाना चाहते हो, ये नहीं चाहिए कोई और मंडी चाहिए, तो तुम ये चीजें स्पेशली लगा पाओ अपने नाम सर्च करके। यहां पर पहले देख सकते हो, सबसे पहले इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, ये आ गया IND लाइट 01A, ये बहुत बड़ी लाइट है, सबसे ज्यादा तेज लाइट है, ये बहुत ही ज्यादा लाइटें होती है इसमें। इसके अलावा यहां पर देख सकते हो ये चेयर्स पड़ी हुई है, चेयर जो है क्लब हाउस चेयर 03, इसके बाद फिर स्पीकर्स हैं,
क्लब स्पीकर लार्ज, ये लार्ज वाले हैं, ऐसे ही नाम तुम लोग सर्च करते जाओगे ऑब्जेक्ट्स में आकर और तुम ये वाली सारी चीजें डाल पाओगे। इसके अलावा इसका तो तुम्हें पता ही है, जो हमने बैरियर लगाया था बैटल बैरियर 02A। फिर यहां पर फेंस लगाया था हमने जिसका नाम है फेंस FENCE 02B। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने क्या क्या यहां पर लगाया हुआ है, ये वाले जो स्पीकर हैं ये पहले से मैंने तुम लोगों को बता दिया है। यहां पर ये जो ये वाला बैरियर है ये बेस फेंस है, बेस फेंस 02, ये मैंने पूरी एंड तक लगा दी थी बेस फेंस 02। और यहां पर ये जो लाइट लगी हुई है इसका नाम है एयर TERLIGHT 01B, एयरटेल लाइट मैंने सारी हर जगह लगा दी है, बिल्कुल एंड तक पूरे गाड़ियों के बाइकों के रास्ते पर लगा दी है, पार्किंग में भी मैंने यही लगाई हुई है सारी एयरटेल लाइट। यहां पर मैंने यहां पर चेयर्स वगैरह लगा दी, जनरेटर लगा दिया, जनरेटर तुम लोग भी लिखोगे तो जनरेटर एक ही होता है वो सामने आ जाएगा। यहां पर फिर से वही टेर लाइट लगी हुई है। इसके अलावा ये जो लाइट लगी हुई है थोड़ी बड़ी लाइट लगी हुई है, इसका नाम है टेर लाइट 01A, ये 1A है, इसमें 6 लाइटें होती हैं, और ये जो प्रीवियस वाली थी ये छोटी लाइट है, इसमें 4 लाइटें होती हैं। इसके अलावा यहां पर तुम लोग देख सकते हो ये जनरेटर मैंने रख दिया है, यहां पर ये हे बेल रखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूं तो नजर आएगा HAYBALE 02 है ये जो बंधा हुआ है। इसके अलावा यहां पर चारपाई पड़ी हुई है, बाइकर कैंप बेड 01 इसका नाम है। इसके अलावा हम लोग देखें तो यहां पर ये जो लाइट है ये टनल वर्क लाइट है, टनल वर्क लाइट लिखोगे आ जाएगी, फैन है, फैन फ्लोर लिखोगे तो सामने आ जाएगा, यहां पर वीड बैग है, वीड लिखोगे, स्मॉल बैग लिखोगे, 01A लिखोगे तो सामने आ जाएगा, कुछ भी लिखोगे इनमें सामने आ जाएगा। ये ट्रॉली है, वेयर हाउस ट्रॉली पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, वेयर हाउस ट्रॉली इस वजह से मैंने डाली है कि कोई भी चीज उस पर रख के हम लोग इधर उधर लेकर जा सके। इसके अलावा यहां पर स्टूल पड़ा हुआ है, INT स्टूल। इसके अलावा टेबल है, टेबल 03 है, ये बड़ी वाली टेबल जो होती है। इसके अलावा ये जो है ये यहां पर हमने स्केल रखा हुआ है, जहर सी बात है हमें अपना चारा वगैरह नापना तो पड़ेगा ना, मेजर करके ही देंगे ना, इस वजह से हमने स्केल यहां पर रखा हुआ है, ये स्केल 02 है। आगे दूसरा स्केल भी है 03 है, वो भी मैं अभी दिखा देता हूं। इसके अलावा अब यहां से अगर हम लोग अंदर चले तो यहां पर देख सकते हो वही सारी चीजें मैंने एज इट इज यहां पर फिट कर दी हैं। और यहां पर ये देखोगे तो यहां पर ये जो मैंने ये लकड़ी के पट्टे रखे हुए हैं इसको बोलते हैं कोक पैलेट। तुम लोगों ने पैलेट को सर्च करना है PALLET 01A, तो ये आ जाएगा। फिर यहां पर ये आ गया कोक टब, टब लिखोगे तो ये आ जाएगा, यहां पर बकेट लिखोगे तो ये सामने आ जाएगी, तुम्हारे बहुत सारे बकेट के ऑप्शन आ जाएंगे। इसके अलावा ये जो है यहां पर ये जो पड़ा हुआ है ये जो खाली डब्बा पड़ा हुआ है, खाली डब्बा अगर तुम लोगों ने रखना है तो तुम लोगों ने लिखना है क्लोथ टब 01 इसका नाम है। इसके अलावा यहां पर देख सकते हो बाकी सारी चीजें सेम ही है। यहां पर मैंने फिर यहां पर जो क्लोजिंग की है ये वाला हिस्सा हो गया सारा बकरा और दुम्बा वगैरह के लिए। इसके बाद यहां पर मैंने चारपाई वगैरह यहां पर भी लगा दी, जनरेटर लगा दिया, पंखे वगैरह लगा दिए, सेम सेटअप कर दिया। इसके अलावा ये आ गया गाय वाला हिस्सा, गाय वाला हिस्सा भी बिल्कुल मैंने सेम ही बनाया हुआ, इसमें टेबल चेयर्स वगैरह सारी चीजें रख दी है। और ये जो खंबा है ये एक बड़ी लाइट वाला खंबा है, ये हमने शुरू में जो लगाया हुआ था INDLIGHT 01A, ये वही वाला लगा हुआ है। और ये वाला जो है ये टेल लाइट 01A है जो 6 लाइटों वाला है। खंबे के बाद अगर हम लोग देखें यहां पर हे बेल पड़े हुए, हे बेल तुम लोग हे लिखोगे HAY लिखोगे तो तुम्हारे ये सामने आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। HAY लिखने पर ये बड़े वाले भी आ जाएंगे, छोटे वाले भी आ जाएंगे, हर तरह के आ जाएंगे, बस तुम लोगों ने HAY लिखना है और तुम्हारे सामने हे सारे के सारे आ जाएंगे। फिर से मैंने यहां पर बड़ा खंबा लगा दिया क्योंकि ये बड़ी जगह थी, लाइट की ज्यादा जरूरत थी, ये वाला खंबा मैंने यहां पर फिट कर दिया। यहां पर दोस्तों देख सकते हो मैंने ये सारी एंट्रेंस वगैरह और बैठने की जगह बनाई हुई है, यहां पर सारी पैदल चलने वालों की एंट्रेंस वगैरह और बैठने की जगह है। यहां पर घास भूसी और जो भी चारा वगैरह वो सारा का सारा मिलता है। और यहां पर देख रहे हो मैंने टेबल पर सारी चीजें रख ली है, वीड बैग वगैरह, स्केल वगैरह, कोक स्केल 02 जो पहले दिखाया था वो भी है, और ये वाला स्केल है जो दूसरे वाले स्केल है जिसकी मैं बोल रहा था, ये स्केल 03 है। स्केल लिखोगे तुम लोग सिर्फ SCALE तो ये दोनों स्केल तुम्हारे सामने आ जाएंगे और तुम इसमें से कोई भी डाल पाओगे। इसके अलावा यहां पर मैंने एंट्रेंस बना दी है, बैरियर्स वगैरह लगा दिए तो तुम्हारे सामने लगाए ही थे। इसके अलावा यहां पर भी मैंने जनरेटर वगैरह और यहां पर टेबल वगैरह फिट कर दिए। यहां पर सिर्फ एक ये टेबल डिफरेंट है, अगर ये टेबल चाहिए तो तुम लोगों ने लिखना है YAH या और फिर उसके आगे टेबल, टेबल लिखोगे, टेबल सर्च करोगे तो भी ये टेबल आ जाएगी, बहुत सारे टेबल्स के ऑप्शन आ जाएंगे। यहां पर मैंने सारी सिटिंग विटिंग बैठने बैठने की जगह बना दी है और यहां पर भी मैंने एक बड़ा खंबा लगा दिया है और छोटी छोटी लाइटें भी लगा दी है, 6 लाइटों वाली। इसके अलावा दोस्तों ये एरिया जो है ये कैमल्स के लिए है, ऊंट वगैरह के लिए एरिया है, तो यहां पर मैं ऊंट वगैरह बांध दूंगा, सारे ऊंट वगैरह यहां पर खड़े हो जाएंगे। और यहां पर भी मैंने सारी घास वगैरह बेचने का सेटअप बनाया हुआ है और यहां पर ऊंट वगैरह बांधेंगे तो यहां पर एक बंदे की चारपाई भी लगा दी है कि रेस्टिंग पोजीशन भी हो, कोई बैठना चाहे इस पर, लिटाना चाहो किसी को तो वो तुम लोग लिटा सकते हो। तो ये दोस्तों हो गया हमारा पूरा का पूरा, ये ऊंट की जगह हो गई, कैमल्स की जगह हो गई, ये गाय के लिए पूरा हिस्सा हो गया और ये बकरे दुम्बे वगैरह के लिए पूरा हिस्सा हो गया, कंप्लीट का कंप्लीट। वो सामने पार्किंग हो गई और यहां से मुड़ोगे स्ट्रेट आओगे तो तुम्हारी यहां पर फुट की एंट्रेंस हो गई, पैदल चलने वालों की एंट्रेंस सारी हो गई। अब मैं तुम लोगों को रात करके दिखाता हूं कि रात में बिल्कुल रियलिस्टिक मंडी की फील आएगी, इतनी सारी लाइटें मैंने लगा दी हैं, असली मंडी लगेगी बिल्कुल। टाइम ऑप्शंस पर मैं जैसे ही जाऊंगा यहां पर नीचे आऊंगा आवर्स पर, यहां पर अभी 13th आवर हुआ है यानी 1 बज रहा है, 1 को मैं 2 बजा दूंगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 बजा दिए मैंने, 8 बजे तुम लोग मंडी जाती हो तो देख सकते हो बिल्कुल मंडी वाली फील आ रही है, 9, 10, 11 और ये हो गया 12,
रात के 12 बजेंगे तो एग्जैक्ट बिल्कुल रियलिस्टिक मंडी वाली फील आएगी। देख सकते हो लाइटें वगैरह सारी की सारी जल चुकी है और बहुत बेहतरीन लग रहा है, बिल्कुल असली मंडी लग रही है। जैसे हम असली मंडी में जाते हैं और रात का टाइम हो रहा होता है, 12 बज रहे होते हैं, 1 बज रहा होता है, तो ऐसी लाइटिंग वगैरह हुई भी होती है। यहां पर देख सकते हो सेंटर में जो एंट्रेंस है उधर भी मैंने एक लाइट लगा दी है। यहां से तुम लोग आगे जाओगे तो ये आ गई हमारी पैदल चलने वाली एंट्रेंस। यहां से दोस्तों तुम लोग आगे जाओगे तो गाय वाली एंट्रेंस पर मैंने 2 लाइट लगा दी, क्योंकि जैसी बात है बड़ी जगह है इसलिए यहां पर 2 लाइट होना जरूरी थी। यहां पर यार बकरे वाली जगह पर लाइट वगैरह नहीं है, तो मेरे ख्याल में यहां पर मैं लाइट लगा देता हूं। मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट्स पुनर्ट पर, स्पॉन एंटिटी इनटू द वर्ल्ड में, ऑब्जेक्ट्स में, फिर यहां पर मैं लाइट लगा दूंगा हमारी IND लाइट वाली, बड़ी वाली जो लाइट थी। यहां पर दोस्तों मैंने IND स्पेस लाइट LIGHT स्पेस 01A लगा दी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी लाइट है, कमर्शियल लाइट है और उससे बहुत ज्यादा रोशनी हो जाती है। देख सकते हो कितनी जबरदस्त रोशनी हो गई है, बेहतरीन हो गया, पकड़ों वाली जगह भी बिल्कुल चमक गई है। अब यहां पर जो हमारी फुट एंट्रेंस है, पाथ जो है, फुटपाथ जो है, इधर भी मैं यहां पर लगा देता हूं ये बड़ी वाली लाइट ही, ताकि बिल्कुल यहां पर भी रोशनी हो जाए। और देख लेते कहां लाइट की जरूरत है, कहां लाइट की जरूरत है, वहां दूसरी तरफ एंट्रेंस पर भी लाइट की जरूरत है, वहां पर लाइट कम है, यहां से मुझे नजर आ रहा है। तो यहां पर एंट्रेंस पर ही मैं एक लाइट यहां पर भी फिट कर देता हूं, बड़ी वाली लाइट LIGHT 01A IND वाली लाइट। और देख सकते हो कितनी जबरदस्त लाइट हो चुकी है, पूरी मंडी लाइट लाइट रोशन रोशन हो चुकी है, पूरी मंडी बेहतरीन हो गई है। अब जानवर बिल्कुल क्लियर नजर आएंगे, बिल्कुल साफ सुथरे चमकते हुए नजर आएंगे और बहुत अच्छी बिक्री होगी जानवरों की। तो दोस्तों रात में भी देख लो, ये ऊंट वाला हिस्सा हो गया, कैमल्स वाला, ये मेन एंट्रेंस हो गई। इसके बाद यहां से अगर हम आगे चले जाएं तो ये गाय बैल का एरिया हो गया, यहां पर सारी गाय और बैलें वगैरह बंधी हुई होंगी। और वो जो सामने तुम लोगों को एरिया नजर आ रहा है वो बकरों के लिए हो गया, बकरे वगैरह बांधने के लिए। और फिर एंड में पार्किंग आ गई, यहां पर सारी गाड़ियां वगैरह खड़ी होंगी। तो दोस्तों ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली अपनी कंप्लीट मंडी। ये मंडी जब बिल्कुल एक्जैक्टली पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसका XML फाइल मैं तुम लोगों को लिंक दे दूंगा। तुम लोगों को सिर्फ XML फाइल डालोगे और ये पूरी की पूरी मंडी एक सेकंड में तुम्हारी लोड हो जाएगी सिर्फ मेन्यू ट्रेनर से। दोस्तों इस मंडी के कंस्ट्रक्शन में तुम लोगों को कुछ और ऐड करवाना हो, कोई चीजें डालनी हो, या कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट हो, या किसी भी चीज में मसला आ रहा हो GTA 5 से रिलेटेड, या GTA 4 से रिलेटेड, या किसी भी गेम से रिलेटेड, या फिर दुनिया भर की किसी भी चीज से रिलेटेड तुम लोगों को कोई भी मसला आ रहा हो, तो तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने कमेंट कर देना है और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। तुम लोगों ने सब्सक्राइब करके कमेंट किया होगा तो मैं तुम्हारे कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा, हमेशा जवाब देता हूं, और तुम लोगों के मसले को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हारे मसले का सलूशन तुम लोगों को हर हाल में कमेंट पर ही मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग सारे जानवर वगैरह डालेंगे, जितने भी जानवर हैं, और पेडेस्ट्रियन वगैरह डालेंगे, जो भी बंदे वगैरह हमने सेट करने, तो नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखना। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में ही हमारी मंडी पूरी जानवरों के साथ और इंसानों के साथ कंप्लीट हो जाए। फिलहाल दोस्तों तुम लोगों ने मेन्यू ट्रेनर की वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि मेन्यू ट्रेनर के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। मेन्यू ट्रेनर की ये वाली वीडियो लाजमी देख लो, इसमें मेन्यू ट्रेनर मैंने डालना सिखाया है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और इसको एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है, ताकि तुम लोग एंड स्क्रीन पर इसको क्लिक करके मेन्यू ट्रेनर इजिली डाल पाओ।